देश में पिछले कई माह से ऑटोमोबाइल सेक्टर में जारी मंदी का असर वाहन कलपुर्जा उद्योग और इससे जुड़े रोजगार पर भी देखा जा रहा है। दरअसल चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में वाहन कलपुर्जा उद्योग के कारोबार में 10.1% की गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही ये उद्योग 1.99 लाख करोड़ रुपए से घटकर 1.79 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसके अलावा जुलाई 2019 से लेकर अब तक इस उद्योग से जुड़ी 1.79 लाख अस्थायी नौकरियां चुकी है। ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन एक्मा के अध्यक्ष दीपक जैन के मुताबिक ऑटोमोबाइल क्षेत्र में लंबे दौरे से जारी मंदे के चलते निवेश के मामले में $2 अरब का नुकसान हुआ है। बीते एक साल में सभी श्रेणी के वाहनों की बिक्री में लगातार गिरावट आ रही है, जिसका रोजगार पर भी असर देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कलपुर्जा उद्योग का विकास वाहन उद्योग पर निर्भर करता है। मौजूदा समय में वाहनों के उत्पादन में 15-20% की गिरावट से वाहन उपकरण उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ है। रोजगार को लेकर उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2018 से ही छटनी का दौर जारी है। इस अवधि में सबसे ज़्यादा अस्थायी कर्मचारियों को नौकरी गंवानी पड़ी है। इससे पहले जुलाई में एक्मा ने सरकार से अनुरोध किया था कि वाहन उद्योग के लिए GST की दर एक समान यानी 18% की जाए, ताकि घट रही बिक्री से मंदी के दौर से गुजर रहे वाहन उद्योग को उभरने और 10 लाख नौकरियों को सुरक्षित रखने में मदद मिल पाए। उन्होंने कहा कि वाहन कलपुर्जा उद्योग से करीब 50 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। वर्तमान में वाहन उत्पादन में 15-20% की गिरावट से कलपुर्जा उद्योग के सामने संकट उत्पन्न हो गया। यदि ऐसी ही स्थिति रहती है तो लगभग 10 लाख नौकरियां जा सकती है। कुछ जगहों पर छटनी की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। एक्मा का कहना है कि GST प्रणाली के अंतर्गत करीब 70% वाहन कलपुर्जों पर 18% GST लगाया जाता है, बाकी 30% पर 28% GST वसूला जाता है। साथ ही 28% GST के साथ वाहनों की लंबाई, इंजन के आकार प्रकार के आधार पर वाहनों पर 1-15% का उपकर भी लगाया जाता है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।